आलू किसी भी फॉर्म में खा लो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टिफिन के लिए सिर्फ 10 मिनट में स्वादिष्ट आलू मसाला की सब्जी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। एक नॉनस्टिक कढ़ाई में डालें 4 टेबलस्पून तेल और तेल को मध्यम आंच पे अच्छे से गर्म करें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें आप डाल देना 1 टेबलस्पून जीरा और जीरे को थोड़ा सा सीजल होने दें। जैसे जीरा तड़कने लगे यहाँ पे गैस की फ्लेम को स्लो कर दे। फिर इसमें आप डाल देना 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। फिर इसमें जाएगा नमक, नमक स्वाद अनुसार, और 2 टेबलस्पून पानी ताकि मसाले भुनते समय जले नहीं। अब सभी मसालों को 1 मिनट पे धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए अच्छे से पका ले। 1 मिनट तक मसालों को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें आप डाल देना 800 ग्राम उबले हुए आलू। आलू को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालिएगा। अब आलू को डाले हुए मसालों के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब एक बार मसाले में आलू के साथ मिक्स हो जाए फिर आलू को 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएं। और ये देखिए इस तरह से मसाले आलू के ऊपर अच्छे से कोट हो जाने चाहिए और कम से कम 4 से 5 मिनट तक आलू को पकाना है। अब इसमें आपको डाल देना है खूब सारा बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। इस आलू को सब्जी को आप पूरी, रोटी और साथ में दही या फिर आम रस के साथ इंजॉय करें। तो लीजिए सुपर टेस्टी स्वाद की गारंटी 10 मिनट में टिफिन वाली आलू मसालेदार सब्जी बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।